हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे और अच्छे बने रहना। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कभी कभी लास्ट लेयर की हेडलाइट नहीं मिलती है और हमें उसे सॉल्व करने के लिए दो बार टीप रिमूव करना पड़ता है। अब ये दो बार एक ही मूव करने से हमारा जो है बहुत सारा समय चले जाता है। तो उस समय को मतलब कम करने के लिए हम एक एल्गोरिथम लेकर आए हैं आज। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई लोग मेरे चैनल पे नए हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो इस वीडियो को और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करना अपने क्यूबिंग दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, इधर आप देख सकते हो मेरे पास एक भी हेडलाइट नहीं है और इधर मुझे इसे सॉल्व करने के लिए मतलब चारों ओर हेडलाइट लाने के लिए मुझे दो बार टीप रिमूव करना पड़ेगा। पर हम अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिना टीप रिम दो बार करें एक ही बार में दोनों तरफ हेडलाइट कैसे लाए। तो मैं एल्गोरिथम बता रहा हूँ, ऊपर में एल्गोरिथम लिखा है, मैं स्लोली करता हूँ। तो गाइस, इधर आप देख सकते हो डायरेक्ट ही सॉल्व हो चुका है मेरा रूबिक्स क्यूब। अब मैं इसे एक और केस में दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, इधर आप देख सकते हो ये है एक और केस जिसमें चारों तरफ हेडलाइट नहीं है। इसमें मैं वो मूव फिर से कर तो गाइस, इधर आप देख सकते हो चारों तरफ मुझे हेडलाइट मिल चुके हैं। अब मैं एक और केस में दिखाता हूँ, उसके बाद ये वीडियो एंड कर देंगे। इधर आप देख सकते हो ये है हमारा थर्ड केस, यहाँ पर भी मुझे हेडलाइट नहीं मिली है और हम करेंगे ये वाला मूव फिर से। तो गाइस, इधर आप देख सकते हो मुझे मिल चुके हैं चारों तरफ हेडलाइट। अब मैं इसे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।